है गाइस, नेहा हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लोरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन बताने वाली हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत से यूट्यूबर से सुना है और मैंने सुना है कि यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही मल्टीपल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने अमेजन से मंगवाया है। मैं दोनों वेरिएंट की, जो कि 30 ml और 100 ml है, उनकी प्राइस ऊपर मेंशन कर दूंगी। इस टाइप के बॉक्स में हमको ये रिसीव हुआ था। कार्ड बॉक्स है, इसकी जो पैकेजिंग है उस पर टेप लगी हुई है और उसको मैंने कट कर लिया है। बॉक्स के अंदर हमको बिल मिल जाता है और इस टाइप का पेपर लगाया हुआ है ताकि जो प्रोडक्ट है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होएगा। यहाँ पे है ये प्रोडक्ट है हमारा, इसको निकाल लेते हैं। अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब प्रोडक्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन देख लेते हैं। इसके रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, बट ट्रायल के लिए मैंने इसका छोटा पैक ही मंगवाया है। ये प्रोडक्ट 2 साइज़ में अवेलेबल है, 30 and 100 ml। इसकी पैकेजिंग पे प्राइस और एक्सपायरी डेट के अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि ये नरिशमेंट देता है और परफेक्ट लुकिंग हेयर देता है। इसकी इस साइड पे लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट टाइप से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। 6 फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑयल से बना हुआ है, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसकी इस साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड ऑयल, अदर एक्सट्रैक्ट एट्सेट्रा। और कोई इसमें एक्स्ट्रा थिंग नहीं है, सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इन गोल्डन कलर। आइए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये इस टाइप की बोतल में आया है और पैकेजिंग जो है उसमें इस टाइप से सेपरेशन किया हुआ है ताकि हमारे प्रोडक्ट को कोई इम्पेक्ट ना हो। चलिए सीरम की जो बोतल है उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये कांच के मटेरियल में आया है। बॉक्स के टाइप इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे ऑल हेयर टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है, वर्सेटाइल यूज़ है, लग्जूरियस शाइन देता है, सॉफ्टनेस देता है। इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं पीछे की साइड में एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आइए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसा फॉर्मूला है और फ्रेग्रेंस क्या है। ओपन करके देख रही हूँ। सच बोलूँ तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक मुझे पंप वाली एप्लीकेशन में आएगा, पर मैंने ही ध्यान से नहीं देखा कि 30 ml में पंप एप्लीकेशन नहीं है, वो 100 ml में हमको मिलती है। बट इट्स ओके, क्योंकि ट्रायल के लिए मुझे इसे यूज़ करना था। मैं इसको निकाल के देख रही हूँ ताकि फॉर्मुलेशन और फ्रेग्रेंस मालूम पड़े। फॉर्मुलेशन में कोई इशू नहीं है क्योंकि स्टिकी नहीं लग रहा है, लाइट वेट है। फ्रेग्रेंस ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जैसी है, जो कि अच्छी हमें खुशबू देती है, कोई गलत नहीं लग रहा है। एस पर मी अभी तक तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी तो मैं जब इसको यूज़ करूँगी तभी रिव्यू दे पाऊँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन बताने वाली हूँ, ये मैंने बताया था जो मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेट करता हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेफ रहे, टेक केयर, बाय।